विद्रोह हेतै, देश के संग माने अर्थतंत्र में एकदम कमी कमजोरी होते, ओहिना अहाँ के कोविड-19 के चलते अर्थतंत्र एकदम नीचा खसि पड़ल चले, दुर्भाग्य है देश के, एहन गरीब देश के जे चंदा लगा देश चलबैय आ तखन एहन एहन जे संसद विघटन करैय, दुर्भाग्यपूर्ण एक घोर भ्रष्टाचार करय चाहै छी हमसब, आ हमसब व्यापक आंदोलन करबै, कनी मनी आंदोलन नहीं, जब तक हमर सबके मांग पूरा नहीं हेतै कि संसद के फेर पुनर्स्थापना नहीं करतै तब तक हमरा सबके निरंतर हमरा सबके आंदोलन जारी छै, आ हमर सबके पार्टी पहिल चरण के आंदोलन आई हमसब केलहुँ, आ बहुत जल्दी दोसर चरण के आंदोलन घोषणा होबय जा रहल छै, जब तक ई सरकार घुटना नहीं घुटतै, ई केपी ओली व्यक्तिगत एकरा अपना पार्टी के ये अपना पार्टी के चलते ये देश के जे अखन जे एहन अवस्था में राखि देलकै है, ताहि के लेल हम पूरे विश्व के नेता के कह चाहै छी कि एहन एहन कोनो देश के प्रधानमंत्री भेलै है एगो व्यक्तिगत अपना स्वार्थ के लगते देश के धराचाल में धऽ देतै, ताहि लऽ कऽ हमसब घोर भ्रष्टाचार करय चाहै छी, आ हम हमरा सबके पूरे एहिठाम के मधेश के जनता, पूरे नेपाल के जनता, हमसब नेपाल जनता, नेपाल जनता समाजवादी पार्टी, पूरे हमसब पूरे देश में हमसब संगठन हमरा सबके अछि, हमर सबके पूरे देश में आंदोलन जारी छै, आ हमसब अपन मंजिल तब जब तक हमरा सबके नहीं टूटतै हमर सबके आंदोलन जारी छै, धन्यवाद। मैम ई एगो भेल छै है ना निर्वाचन कैल जाए कि नहीं कैल जाए, अपने सब रोड पर आंदोलन में शुरू छै, देखियौ सर्वोच्च के फैसला हमरा सबके पक्ष में करय पड़तै, हुनका माननीय जी के श्रीमान के कहय चाहै छी, कियाकि जब देश में जब अंत अवस्था आबि जाइ छै कखन जाकर सांसद विघटन होइ छै, लेकिन एक राता राती नहीं होइ छै, एकर बहुत विकल्प देल जाइ छै, कोनो विकल्प नहीं दक अंतिम अंतिम एकल निर्णय कदाचित नहीं होइ छै, जब देश के पूरे तरह से आंदोलन में देश चल गेल रहै छै, जब कोनो उपाय नहीं रहै छै तब जाकर संसद विघटन होइ छै, ई पहिले स्टेज में संघ विघटन कऽ देलखिन, ताहि लऽ कऽ हुनका श्रीमान जी के हम सर्वोच्च अदालत जी के श्रीमान जी के हम आग्रह करय चाहै छी, ओ जनता के पक्ष में करब। धन्यवाद।